इस वक्त सीधे आपके लिए चलेंगे जोधपुर कोर्ट, जहां पर इस वक्त फिल्म स्टार सलमान खान पहुंच चुके हैं। वहां पर उनकी पेशी आज होनी है ब्लैकबक मामले में, हथियार रखने के मामले में उनकी आज पेशी होनी है। अब से कुछ ही देर पहले वो यहां पर पहुंचे और जाहिर तौर पर यहां पर मीडिया का जमावड़ा पहले से ही मौजूद था, जो सलमान से इस बारे में जानना चाहता था, पूछना चाहता था। लेकिन इस भीड़ के बीच सलमान खान फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें जोधपुर कोर्ट के बाहर की हैं। फिल्म स्टार सलमान खान आर्म्स एक्ट मामले में आज जोधपुर कोर्ट में पेश होने हैं। उन्हें 18 साल पुराने केस में गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। आज बतौर मुलजिम सलमान खान का बयान दर्ज होगा। शरद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, वहां पर सलमान पहुंच चुके हैं, कितनी देर बाद पेशी शुरू होनी है? सलमान कोर्ट में पहुंच चुके हैं नेहा, अब दूसरे हालांकि दूसरे केस की सुनवाई हो रही है। अब एक मिनट, सलमान खान अभी बैठे हुए हैं चेयर पे जज साहब के सामने, उनका वकील पहुंच गया है, वकील एप्लीकेशन दे रहा है, इसके बाद इनकी सुनवाई शुरू होगी। हर की सुनवाई में कुछ है नहीं, सभी गवाहों के बयान पूरे हो चुके हैं, सभी 24 से 24 और 9 गवाह इनके पक्ष थे, उनके बयान पूरे हो चुके हैं। इस मसले पर उनसे पूछा जाएगा कि आपको कुछ कहना है, क्योंकि आपके खिलाफ जो 4 नए गवाह आए हैं वन अधिकारी और पुलिसकर्मी, जिन्होंने कहा है कि वो आपका हथियार था जो बरामद हुआ है, अवैध हथियार इसलिए था कि उसका लाइसेंस एक्सपायर कर गया था, और दूसरा कि ये कहा गया है कि जो खून छपे बरामद हुए हैं कपड़े से वो ब्लैकबक के खून थे, उसके बारे में क्या कहना है, जो नए जो 9 गवाह पेश हुए हैं। इस मामले में कहा जा रहा है कि सलमान खान वही कहेंगे जो पहले 2 बार यहाँ कह चुके हैं। इस मामले में सलमान खान 2 बार इस मामले में कह चुके हैं कि मैं निर्दोष हूँ और वन अधिकारियों ने मुझे जानबूझकर फंसाया है, और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज तीसरी बार भी यही कहेंगे। ये तो आर्म्स एक्ट का मामला है जो 1998 में लगा था इन पर अक्टूबर में, लेकिन 17 साल बाद ये मामला जो है अभी 2012 में सुनवाई पे आया था, और 2012 से सुनवाई चल रही है, और 17 साल बाद भी इस मामले में भी सुनवाई चली रही है। बताया जा रहा है कि 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का समय सलमान खान को कोर्ट में लग सकता है इस मामले की सुनवाई में। इसके बाद सलमान खान ने चार्टर बुक कर रखा है, सुबह 9 से लेकर दोपहर 2 बजे तक का एयरपोर्ट पर समय लिया है, वहां से ये सीधे एयरपोर्ट जाएंगे और वापस मुंबई चले जाएंगे। सलमान खान की गाड़ी भी कोर्ट के बाहर लग चुकी है, किसी भी वक्त इनका 15 मिनट से लेकर आधे घंटे के भीतर ये फ्री होकर गाड़ी में बैठ कर सीधे यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। शरद कुमार हमारे संवाददाता बताया था कि आज जो पेशी होनी है उसमें बयान दर्ज होना है सलमान खान का। 1998 का ये मामला है, अक्टूबर का, जब रात को काले हिरण का शिकार किया था सलमान खान। सैफ अली खान समेत कुछ अन्य कलाकार इसमें आरोपी हैं। सभी कलाकार यहां हम साथ साथ हैं की शूटिंग करने आए थे। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के मुरीद अनुपम खेर पर करारा वार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनुपम खेर रियल लाइफ में विलन है। वेलकम रितेश, यू गॉट अ रॉक स्टार वेलकम हियर। सो हाउ मेनी